अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पितृ मोक्ष अमावस्या पर लोगों ने अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर रविवार को मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पितृपक्ष के समापन के अवसर पर लोगों ने अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनसे समृद्धि कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त किया। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उन मृत व्यक्तियों के लिए भी श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती या फिर किसी कारणवश तिथि पर श्राद्ध और तर्पण कर्म नहीं कर पाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आज हम अपने पितरों को यहाँ पर पिंडदान करने के आए हैं। बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। हम लोगों ने 15 दिन उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों को बना रहता है। आज विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बस उनका आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद जब हम लोग पितरों के 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग गया घी में जाके पूरा उनका तर्पण करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योतिषाचार्यों और पंडितों के मुताबिक सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान करने से पूर्वज और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनका परिवार अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। अपने पूर्वजों को लोग आज पिंडदान व तर्पण करके विदाई कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। जो बन रहा लोगों से श्रद्धा पूर्वक सीधा मिठाई सब ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, अपने पितरों की विदाई कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक लोग। और नर्मदा का जल अभी तो रोड पे था कल, आज कुछ कम हो गया है तो इससे थोड़ी पब्लिक को सुविधा है, नहीं तो सड़क पे बड़ी संकीर्णता के कारण बहुत दिक्कत थी। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है, इसलिए इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है।